हेलो स्टूडेंट्स कैसे सब लोग फिर से आप लोगों का स्वागत है इस

एक्सक्रीशन क्या होता है ओके okay? बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर एक्सक्रीशन क्या है वी डोंट नो है ना इजेशन और एक्सक्रीशन में डिस्टिंग पॉइंट पता नहीं मतलब डिफरेंस पता नहीं है इतने मतलब बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं है सो बेसिकली एक्सक्रीशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है जिसमें होता है रिमूवल क्या होगा यहां पे रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूवल ऑफ मेटाबोलिक वेस्ट है ना मेटाबोलिक वेस्ट जो रहेगा उसका बॉडी से रिमूवल होने वाला है और वह मेटाबोलिक वेस्ट कैसा रहेगा इट शुड बी हार्मफुल टू दॉडी वो हमारी बॉडी में क्या रहेगा हार्मफुल रहेगा तो रिमूवल ऑफ यू कैन कॉल की एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होने वाला है रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबोलिक वेस्ट मटेरियल होता है फ्रॉम दॉडी है ना फ्रॉम दॉडी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ऑलरेडी जानते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है मतलब कि मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि हमारी बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म होता है एनर्जी प्रोडक्शन होता है तो उसके साथ जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं ओके जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं बेसिकली उसमें क्या होता है जो हम लोग कंसिडर करते हैं नाइट्रोजीनस वेस्ट मेटेरियल नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल्स इसके अंदर रहने वाला है और नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल में क्या रहेगा एज यू ऑल नो वेरी वेल कि हमारी बॉडी में क्या होता है दैट्स अ यूरिया कुछ एम्फीबियंस एम्फीबियंस नॉट बर्ड्स की बॉडी में क्या रहता है यूरिक एसिड क्या रहेगा यहां पे यूरिक एसिड एज अ नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल और कुछ नॉन कोडे लोअर नॉन कोडेट एनिमल्स होते हैं उसमें अमोनिया रहेगा क्या रहेगा एंड उसमें अमोनिया एज अ नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल तो ये जो मटेरियल है एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबोलिज्म प्रोसेस बनते हैं वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है टॉक्सिक है हमारी बॉडी में कुछ काम नहीं तो अनवांटेड है और अगर एस जो पड़े रहे हमारी बॉडी में एक्टिवेट होकर तो क्या होगा बहुत ही टॉक्सिक इफेक्ट इंफेक्शन कॉज कर सकता है ओके okay? तो ये तीनों को मतलब कि बेसिकली ये तीन जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ने वाले हैं उसको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है ओके okay? तो इसको रिमूव कौन करवाएगा हमारी किडनी कौन करेगा यहां पे किडनी उसको रिमूव करवाती है डन बान वाया वॉट यूरिन आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा अगर नहीं होगा तो अभी चल गया होगा है कि नहीं चलो सो बेसिकली ये चीज होती है अपार्ट अपार्ट फ्रॉम फ्रॉम दिस दिस हमारा लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन जो जो है जो है वो भी कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन में हेल्प करता है जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है उसको भी बॉडी से हम लोग बाहर निकालते हैं एज अ फिशेस है ना फ्रॉम द एनस सो वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन विल एक्ट एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहां पर कौन सा है

सो स्वेट ग्लैंड में से स्वेट का सिक्रेशन होता है और सीबेसियस ग्लैंड में से सीबम का सिक्रीशन होता है स्वेट और सीबम ये सिक्रेशन भी रेस्पॉन्बल है ऐसे अनवॉन्टेड टॉक्सिक हार्मफुल मटेरियल को बॉडी से बाहर निकलने के लिए ठीक है अलॉन्ग विथ वी कैन ऑल्सो गो विद सलाइवा है ना हमारा जो माउथ में सलाइवा होता है वो भी कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन जो हम लोग लेते हैं ड्रग्स जो हम लोग लेते हैं उसको भी रिमूव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है ओके सो बेसिकली हमारा कंसंट्रेशन किस पे है हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है जब मैं ऐसा बोलता हूं किडनी ये, ये है, है तो ही बनाएगा, और यूरिन हार्मफुल टॉक्सिक मटेरियल को बॉडी से बाहर भेजेगा ओके तो किडनी प्राइमरी एक्सक्रिटेरी ऑर्गन और ये सब हो गया आपके सेकेंडरी एक्सक्रेटरी ऑर्गन ठीक है तो लेट्स से वो लुक हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे किडनी क्या है कैसा है उसको थोड़ा सा हम लोग समझने का यहाँ पे ट्राई

और किडनी का थोड़ा डिटेल में हम लोग समझने का ट्राई करते हैं किडनी के कुछ बेसिक पैरामीटर मैं आपको पहले हूं ठीक है जैसे जैसे किडनी जो होती है वो टेन टू ट्वेल्व सेंटीमीटर उसका लेंथ रहेगा देन यू कैन गो विथ उसका सेवन टू नाइन सेंटीमीटर जितना उसका विथ रहेगा ठीक है तो उसकी लेंथ और मैंने बता दी नॉर्मल इतनी होती है बेसिकली जो फिस्ट होता है ना हमारा ऐसी मुट्ठी करके ना तो इतना साइज हमारा किडनी का होता है ऐसा कहा जाता है बट ये उसका स्टैंडर्ड वैल्यू है ये फ्लक्चुएट करेगा परसेंट टू परसेंट वैरी करेगा ठीक है नाउ किडनी जो होती है उसका शेप क्या रहेगा अगर मैं उसके शेप की बात करूं तो इट शुड बी बीन शेप जो हम लोग बीन्स खाते हैं ना तो बीन शेप इसका रहेगा उसके बाद मैं उसके अगर कलर की बात करूं सपोज आई गो विद कलर ऑफ किडनी सो कलर में यू विल फाइंड यहां पे रेडिश ब्राउन कैसा कलर आ गया इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है किडनी का ओके? अगर इतना कम वेट नहीं रहेगा किस फीमेल में थोड़ा सा वेट कम होता है मेल में थोड़ा सा ज्यादा होता है किसी भी ऑर्गन को ले लो इस तरीके से आपको दिखने वाला है ओके डन सो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स या चीजें किडनी तो के बारे में बतानी है अब अगर मैं एक्सक्रीशन की बात करूं या फिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो वी हैव सो मेनी थिंग्स इन दैट सबसे पहले आपको मिल जाएगा पेयर ऑफ किडनीस क्या मिल जाएगा पेयर ऑफ किडनीस आपको मिल जाएंगी सेकंड यू विल हैव ऑफ ऑफ यूरेटर्स है ना थर्ड यू विल हैव सिंगल लार्ज ओके गई किडनी के पेयर गई जो ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर -like है दिस इज यूरेटर है ना तो पेयर ऑफ यूरेटर देन सिंगल यूरिनरी ब्लैडर सिंगल क्या रहेगा आपका यूरिनरी ब्लैडर यहां पे रहने वाला है एंड फोर्थ वन इज फोर्थ यूरेज यूरे सिंगल लार्ज यूरेथ्रा रहेगा ओके okay? सो so ये चारों मिलकर दोनों किडनी दोनों यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा सब मिलाकर बनाएंगे ह्यूमन सिस्टम ओके एनसीईआरटी में ऐसा इतना ही दिया बहुत ज्यादा दिया नहीं है पर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल समझने का ट्राई करेंगे सो so मैं यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम निकालूंगा किडनी की जिससे आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाओ किडनी क्या होती है कैसी होती है लेट्स दिस इज

दैट्स रीनल मेड्यूला आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा अब रीनल मेड्यूलर में स्पेशल तरीके का स्ट्रक्चर होता है ये ना? उसको हम लोग थोड़ा समझेंगे क्या है विल हैव सम डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी आर कॉलिंग रीनल पिरामिड लाइक दिस वी हैीनल पिरामिड्स ओके तो यहां पर उसको लिख देता हूं दिज आर द रीनल पिरामिड्स रीनल पिरामिड्स रहते हैं यहां पर ठीक है पे, अब यह रीनल पिरामिड्स का फंक्शन क्या है है ना नॉर्मली फाइव टू ट्वेंटी नंबर एक किडनी के अंदर so, रिनल का काम क्या है Basically, as you all know, के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है दैट इज नेफ्रॉन ओके तो नेफ्रॉन कुछ इस तरीके से रहते हैं ओके नेफ्रॉन कुछ इस तरीके से आपको रहने वाले ओके सो नेफ्रॉन का जो भी फंक्शन है ओके दिस इज व्हाट वी हैव नेफ्रॉन नेफ्रोन so, का जो भी फंक्शन है किडनी के अंदर उसे फुलफिल करवाना उसे रेगुलेट करवाना उसको स्पेस प्रोवाइड करना वो रीनल पिरामिड्स का काम है ठीक so, है सो नेफ्रोन क्या होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी फॉर एक्सक्रीशन पर्पज और नेफ्रोन की अगर बात करें तो एक किडनी में यू कैन कॉल वन पॉइंट टू मिलियन जितने कितने वन पॉइंट टू मिलियन जितने करीबन बारह लाख नेफ्रोन आपको मिल जाएंगे इन सिंगल किडनी एक किडनी के अंदर तो छोटे छोटे समझ में आ रहा होगा ओपन स्पेस दिख रहा है ना, renal sinus. Renal sinus. Okay? जो ओपन लार्ज स्पेस होता है जहां पे, यूरिन जो है वो टेम्पररी कलेक्ट होता है और फिर वो यूरिन कहां जाता है आपके यूरेटर में जाएगा इस तरीके से है ना ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा डन क्लियर यहां पे कुछ मेजर क्लिक्स होता है यहां पे कुछ माइनर क्लिक्स होता है ऐसे बहुत सारे अलग अलग एरियाज होते हैं जो अभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग हायर स्टडी में जाओगे पढ़ोगे तो गैटुनो के वो क्या है ओके okay? अब इतना समझ लो कि यहां पे यूरिन बन चुका है ओके okay? यहां पे किडनी में यूरिन बन चुका है और वो यूरिन कहां पर जाएगा वो यूरिन जाएगा आपके यूरेटर में इस पर्टिकुलर लोकेशन से ऐसा जाएगा यहां से भी यूरिन जो बना है वो इस तरीके से जाएगा और यूरिन जो है वो टेम्पररी हो जाएगा री क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा आपके यूरिनरी ब्लेडर में ओके okay. अब ये यूरिनरी जो होते हैं ना वो स्पेशल टाइप के एपिथेलियम टिश्यू से बनते हैं इज इज दिस दिस यूरिनरी तो किससे बनेगा स्पेशल टाइप के दिस दिस इज इज ठीक है तो यूरिनरी ब्लेडर जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के ट्रांजिशनल इपिथैलियम टिश्यू से बनते हैं जिसकी फ्लेक्सीबिलिटी इलास्ट्रिसिटी बहुत अच्छी होती है है ना मतलब यहां पे यूरिन बना वो यूरिन आते आते स्टोर कहां पे हो गया आपके यूरिनरी ब्लैडर में तो वो यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हो जाएगा इतना स्ट्रेच हो जाएगा इतना कि आपको सेंसेशन होगा एक टाइम पे कि मुझे जाना है यूरिनेशन के लिए या फिर मिक्चुरेशन के लिए ओके तो टेम्पररी स्टोर होने के बाद जब आपको सेंसेशन होगा तब कोई पर्सन जाएगा और यूरिनेशन करेगा और फिर यूरेथरासी इस तरीके से बाहर आती है ठीक है तो यहां पर यूरिनेरी ब्लैडर का बहुत बड़ा रोल है डन सो दिस इज नॉर्मल डिस्कशन अबाउट दी किडनी एंड एक्सक्री सिस्टम जो हमारी बॉडी में होती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके okay, अब आइए हम लोग डिटेल में समझते हैं क्या है क्योंकि मैंने बताया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज मतलब के जो भी यूरिन फॉर्मेशन करना है नाइट्रोजीनस मेटीरियल वेस्ट मेटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना है यूरिन को बनाकर बॉडी से बाहर निकालना है पूरी प्रोसेस कौन करने वाला है नेफ्रॉन करने वाला है सो लेट्स से लुक ऑन नेफ्रॉन Okay, so ट्राई किया है ऐसे आपको पता गया होगा okay, so किडनी में 11 से 12 लाख तक नेफ्रॉन मिल जाएंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से यहां पे होता है ओके okay, मैं सिर्फ इतने स्ट्रक्चर को डिटेल में आप लोग को बताऊंगा अभी अलग से डायग्राम निकाल के ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे ओके सो लेट्स से कैन कॉल ओके okay, ये स्ट्रक्चर मैंने यहां पे निकालना स्टार्ट कर दिया है ओके okay? यहां से एक स्पेशल टाइप की आर्टरी आती है जो ब्लड को लेकर आएगी यहां से एक स्पेशल टाइप की आर्टरी जाती है जो ब्लड को लेकर जाएगी और यहां पे क्या होने वाला है यहां पे होने वाला है आपका फिल्ट्रेशन ओके okay? समझना है चीज को क्या बोल रहा हूं मैं अच्छे से समझना है इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके okay? सो so, ये जो टफ टफ कैपिलरी है दिस इज वॉट वी है टफ ऑफ कैपिलरीज कैपिलरीज आप लोग पढ़ चुके हो

यहां पे क्या होने वाला है यहां पे फिल्ट्रेशन होने वाला है तो द लोकेशन वेयर वी हैव द फिल्ट्रेशन ये पर्टिकुलर लेयर पे फिल्ट्रेशन होने वाला है वी आर कॉलिंग इट इज अ कैप्सूल क्या बोलेंगे उसको अपन कैप्सूल उसको कहा जाता है ओके okay? और ये बॉमेंस कैप्सूल से क्या होने वाला है यहां पे प्रॉपर फिल्ट्रेशन होने वाला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने वाला है ब्लड का ओके okay? ये जाने वाली जो आर्टरी उसको बोलते हैं इरंट आर्टेरियल दैट्स ईफरेंट आर्टेरियोल उसको हम लोग कह सकते हैं ठीक है सो जो ब्लड का फिल्ट्रेशन करवाना है वो कहां से आएगा फ्रॉम एफरेंट आर्टेरियोल इसलिए उसका डायमीटर ज्यादा है क्योंकि उस पर बैक प्रेशर पड़ सकता है तो so, यहां से ब्लड आएगा फिल्टर होने के लिए यहां पे टफ टफ कैपिलरी बोले तो ग्लोमेरुलस में रहेगा ओके okay? उसके बाद ये जो साइड दिख रही है दिस इज बॉमेंस कैप्सूल बॉमेंस कैप्सूल से क्या होगा वो फिल्टर आउट हो जाएंगे लाइक दिस इन पर्टिकुलर मैनर वो ब्लड जो है फिल्टर हो जाएगा अब जो ब्लड बच चुका है जिसका फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है वो ऐसे यहां से आगे चला जाएगा फ्रॉम ओके सो वी आर कॉलिंग दिस पर्टिकुलर प्रोसेस है ना देखो बॉमेंस कैप्सूल बहुत ह्यूज यू कैन कॉल स्ट्रक्चर है बहुत डिटेल इसके अंदर नॉलेज है जैसे बताऊं मैं बॉमेंस कैप्सूल के ना दो तीन अलग अलग लेयर होते हैं ठीक है ऐसे हम लोग दो पढ़ते हैं लेकिन तीन होते हैं अलग अलग लेयर तो बॉमेंस कैप्सूल में एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं वी आर कॉलिंग अ पोडोसाइट्स क्या बोलते हैं हम लोग उसको पोडोसाइट याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेट्स आर दी स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो आपको कैप्सूल में मिलने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोडोसाइट तो ये जो पोडोसाइट टाइप के सेल्स होते हैं ना पोडोसाइट्स वाले ये सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। बेसिकली ये एक गैप क्रिएट करते हैं सिल्ट क्रिएट करते हैं जिससे क्या होगा कि आने वाले ब्लड का प्रॉपर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा और वो ब्लड जो है इस डायरेक्शन में नीचे जाएगा एज अ फिल्ट्रेट ओके अब जिसका फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है वो ब्लड फिर से से बाहर निकल जाएगा ओके okay? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंक्लूडिंग बोथ इंक्लूडिंग ग्लोमेरुलस इंक्लूडिंग ग्लोमेरुलस प्लस एफरेंट आर्टरियॉल प्लस इफरंट आर्ट्रियोल प्लस बॉमेंस कैप्सूल समझना क्या बोल रहा हूं मैं एफरेंट क्लोमेरस एफर डायटेल और बॉमेंस कैप्सूल सबको अगर एक साथ मिला सो विल विल कॉल इट एस अ मालफीजियन बॉडी क्या बोलेंगे उसको अपन मालफीजियन बॉडी इसको हम लोग कहेंगे डन तो यहां पे एक पार्ट होता है नेफ्रोन का एक सिंगल पार्ट होता है दैट्स अ मालफीजियन बॉडी जो मैंने यहां पे दिखाया है ओके दिस इज एफरेंट आर्टेरियल दिस इज इंट आर्टेरियल एस एस मैंने बताई दिया है ओके okay? बीच में जो दिख रहा है दिस इज टफ ऑफ कैपलरी मीन ग्लॉमर आएगा और यहां पर आएगा, आएगा आपका बॉमेन्स like okay, कैप्सूल पार्ट रहेगा वी आर कॉलिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट इज अ प्रॉक्सीमल कॉन्वलेटेड ट्यूबुलटेड सॉरी थोड़ा सा स्पेलिंग क्या है प्रॉक्सिमल न्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसको शॉर्ट फॉर्म में आप पी सी टी बोल सकते हो दैट्स अ पी सी टी ओके यहां पर जो एरिया दिख रहा है दिस वन दिस एरिया वी आर कॉलिंग इट अ डी सिटी दैट्स अ डी सी टी मतलब के डिजिटल डिजिटल दैट्स अ डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है क्या नहीं ओके, सो एक एक हो गया, PCT, एक हो गया गया अब ये जो प्रोसेस दिख रहे बीच में वी आर कॉलिंग इट इज डिसेंडिंग क्योंकि नीचे जा रहा है ना तो? ये तो क्या हो रहा है नीचे जा रहा है, तो गो के ये क्या है। आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ एंडले और ये आपका रहेगा असेंडिंग लूप ऑफ एंडले एंड लास्ट प्रोसेस दिस इज कलेक्टिंग ट्यूबुल और कलेक्टिंग तो भी चलेगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बोलो तो भी चलेगा तो इतनी अलग अलग टाइप की प्रोसेस यहां पे होती है के अंदर ठीक है? मतलब के मैंने एक एक हो गया, देखो ये कौन सा आपका? ठीक है? अब बाकी जो पार्ट बचे मतलब के इंक्लूडिंग प्लस इंक्लूडिंग लूप ऑफ हैंडले दोनों असेंडिंग डिसेंडिंग इंक्लूडिंग डीसीटी इंक्लूडिंग दिस और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डग या फिर ट्यूब्यूल बोल सकते हैं बोला ना सो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ये सबको अगर मुझे एक साथ बोलना है सो आई विल कॉल इट एज अल ट्यूब्यूल क्या बोलेंगे ट्यूब्यूल्स इसको कह सकते हैं ठीक है आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा नेफ्रोन के पार्ट का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ओके जो फर्स्ट पार्ट रहेगा नेफ्रोन का जिसमें एफरेंट डायट्रियल इफरन डायट्रियल ग्लोम बॉमेस कैप्सूल रहेगा वी आर कॉलिंग इट एज अ मालफीजियन बॉडी ठीक है जो सेकंड पार्ट रहेगा नेफ्रॉन का उसमें क्या रहेगा स्ट्रक्चर -like रहेंगे डक्ट्स रहेंगे रिनल डक्ट्स यू कैन कॉल जिसमें आएगा पीसीटी लूप ऑफ एनले एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इसको अगर मैं एक साथ मिला दू तो विल कॉल इट एज अ रिनल ट्यूब्यूल तो पूरा जो नेफ्रॉन है उसका यू कैन कॉल डिविजन जो है कैस दो अलग अलग पार्ट में हुआ है एक रहेगा आपका मालफीजियन बॉडी सेकंड विल बी योर रिनल ट्यूब्यूल ठीक है आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूंगा और अच्छे से हम लोग इसको डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं चलो पेन फिर से ले लिया व्हाइट कलर ले लिया ओके okay? सो so, यहां से क्या होगा यहां से ब्लड जाएगा यहां से क्या जाएगा ब्लड जाएगा जिसको फिल्ट्रेशन होना बाकी है फ्रॉम दी एफरेंट आर्टेरियल ठीक है फिर यहां से क्या होगा ब्लड का होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइड ऑफ बॉमेस कैप्सूल ब्लड का क्या होगा यहां से ब्लड का होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ठीक है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद वो ब्लड देखो जो ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है वो एस एस कहा जाएगा इट विल गो लाइक इन दिस मैनर फ्रॉम दी इफरेंट आर्टिकल है ना एफरेंट आर्टिकल से ब्लड आया यहां पे उसका क्या हो गया क्या Glomulus में क्या हो गया उसका पूरी तरीके से प्रेशराइज हो गया और यहां पे उसका हो गया अल्ट्राफिल्टरेशन ओके सो so, ब्लड का अल्ट्राफिल्ट्रेशन फर्स्ट केस रहेगा फर्स्ट प्रोसेस रहेगी देन जो ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है वो कहां चला गया आपका Arterial में चला गया इफर एंड एट्रियलर मैनर ओके अब ये ब्लड जो फिल्टर आउट हो गया है मतलब फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट जो रहेगा filtrate, है ना वी आर कॉलिंग दिस पर्टिकुलर पोर्शन एज अ फिल्ट्रेट तो फिल्ट्रेट जो रहेगा वो डायरेक्टली भी कहां जाएगा इट विल गो अप टू दी प्रोक्सीमल कन्विटेड ट्यूबल ठीक है प्रोक्सीमल कन्विटेड ट्यूबल के बाद ये क्या रहेगा आपका मैंने बताया था डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले ये क्या रहेगा आपका डिटल कन्वेटेड ट्यूबुल आपका रहेगा कलेक्टिंग ट्यूबुल पार्टी बताया है मतलब बेसिकली ये चीज समझ में आपने को आ रही है कि मालफीजियन बॉडी जो है मालफीजियन बॉडी जो है उसका काम क्या यहां पर अल्ट्राफिल्ट्रेशन ब्लड का क्या करना अल्ट्राफिल्ट्रेशन करना यह काम किसका है मालफीजियन बॉडी का है यह समझ में आ रहा है उसके बाद जो फिल्टरेट रहेगा है ना जो फिल्टेड यहां पर रहेगा वह फिल्टरेट क्या होगा पहले पीसीडी में जाएगा फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ एंडले असेंडिंग लूप ऑफ एंडले डी एंड सीटी में जाएगा ओके okay, और ये हर जगह पे हर प्लेस पे हर एक रीनल ट्रिब्यूल पे क्या होने वाला है हम लोग थोड़ा देखते हैं कि पीसीटी में भी क्या होगा डीसीटी में क्या होगा ओके okay, पहले मैं बात करता हूं डिस डिसेंडिंग लूप ऑफ डिसेंडिंग लूप एंडले डिस देखो यहां पर क्या होगा री एप्स यहां पर क्या होगा री एप्स वी आर कॉलिंग इट अ

कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल जो होते हैं उसका क्या होगा रिप्सोप्शन हो जाएगा है ना मतलब कि फिल्ट्रेट में से फिर से हमारे ब्लड में रिएपोर्ट हो जाएंगे ओके डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एक्सेप्टेबल है किसके लिए वाटर के लिए मतलब कि वाटर का रिओप्सोप्शन सबसे ज्यादा होगा और बहुत अच्छा होगा कहां पे फ्रॉम दी हेनले असेंडिंग लूप ऑफ हेनले रिस्पॉन्सिबल है फॉर एप्सॉप्शन ऑफ मिनरल्स मिनरल्स मीन यू कैन गो विथ एन ए प्लस सी माइनस है ना शियम uh, uh, तो जितने भी मिनरल्स है इलेक्ट्रोलाइट कहां से होगा फ्रॉम एसेंडिंग वाटर को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है लेकिन डिसेंडिंग लुपोफे से वाटर का रियापेप्शन मैक्सिमम रहेगा highest रहेगा Done? ये समझ में में और और से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मटीरियल होता है ओके, okay? जैसे मैंने बताया था ग्लूकोज हो गया एमिनो एसिड हो गया फैटी एसिड हो गया वो पूरे ओवरऑल सब चीज का क्या होगा रिप्स हो जाएगा ओके, okay? उसी तरीके से कुछ चीजों का रिएब्स हो जाएगा फ्रॉम दी सिटी दैट इज कन्वर्टेड सो बेसिकली यहां पर भी एस का रियबसॉर्प्शन ज्यादा होता है ओके कलेक्टिंग ट्यूबल में से तो फर्स्ट प्रोसेस हो गई ब्लड अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो मालफीजन बॉडी से हुआ सेकंड हो गया रियप्स जो रिनल टिब्यूल से हुआ थर्ड फिर क्या रहेगा सिक्रिएशन थर्ड यू कैन गो विशन मतलब क्या होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी हमारी बॉडी के लिए जिसको रियप्स कर गया हमारे ब्लड के अंदर हमने बराबर है लेकिन थर्ड प्रोसेस में क्या आएगा जो अनवॉन्टेड चीजें हैं जो फिल्टरेशन मतलब फिल्टर, फिल्टर आउट नहीं हुई है कुछ अनवॉन्टेड चीजें जैसे कि यू कैन कॉल यूरिया हो गया है ना हमारी बॉडी के बात कर यूरिया हो गया कुछ मेडिसिन हो गए कुछ टॉक्सिक मटेरियल हो गए जिसका फिल्ट्रेशन हुआ नहीं है जो इफरेंट एल के साथ फिर से कहां पे चला गया था ब्लड में चला गया था और वो ब्लड के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है हानिकारक है तो क्या करना पड़ेगा उसको हमको फिर से फिल्ट्रेट के अंदर डालना पड़ेगा ओके सो वन सेकेंड यहां पर क्या होने वाला है थर्ड प्रोसेस में थर्ड पॉइंट में क्या होने वाला है सिक्रिशन में क्या होगा कि हमारे ब्लड में से जो अनवांटेड टॉक्सिक मटेरियल है उसको फिर से हम कहा डालेंगे रीनल ट्यूबवेल में डालेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस कि वो कैसे जाएगा

हाइपोटोनिक कंडीशन में होता है और यूरिन जो होता है उसके अंदर क्या रहेगा तो रहे अगर so, चीज होती है यूरिन फॉर्मेशन के लिए सबसे पहला अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड दूसरा ट्यूबुलर इसको ट्यूबुलर बोल सकते हैं ना आगे ट्यूबुलर आप लोग लगा सकते हो ट्यूबुलर रियाप्स मतलब कि जो चीज है uh, जैसे ग्लूकोज एमिनो एसिड इलेक्ट्रोलाइट्स वो भी फिल्टर आउट हो गई थी उसको फिर से ब्लड में खींचना पड़ेगा बॉडी में लेना पड़ेगा है ना तो पीसीटी डीसीटी और बाकी चीजों से वो क्या होगा रियापन हो गया एंड थर्ड इज सिक्रीशन सिक्रेशन में क्या हो गया कुछ अनवांटेड चीजें थी यूरिया है कुछ मेडिसिन से ड्रग्स है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है उसको फिर से क्या डाल दिया पेनिट्रेट कर दिया और उसको डाल दिया आपने किसके अंदर हमारे ट्यूबल के अंदर तो फाइनली जो यूरिन बनेगा वो कैसा रहेगा हाइपरटोनिक कंडीशन में रहेगा और उसके अंदर यूरिया प्रेजेंट होना चाहिए एज अ अट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल ठीक है सो दिस इज इज वी हैव ओवरऑल एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग टू नेफ्रॉन मोस्ट पार्ट ऑफ योर किडनी ओके सो इस तरीके से मैंने यहां आप बताने का ट्राई किया है इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो यू कैन गो विथ आ, हायर स्टडी मतलब हायर स्टडी में आएगा ही आएगा लेकिन कुछ बुक्स है जिसमें आप लोग इसको पढ़ सकते हो राइट चलो सो दिस इज रिगार्डिंग टू एक्सक्रीशन इन ह्यूमन नेक्स्ट चलेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स ये डायग्राम आप लोग देखो बहुत अच्छी तरीके से देखो एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स में बहुत चीज है सिंपल सिंपल चीज है जैसे मैं बताऊं आप लोग ऐसे बता दो के? कि सर ओटो जो है वो बाहर निकल जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर फोटो सिंथेसिस फोटो सिंथेसिस तो ये भी क्या आ गया एक्सक्रीशन प्लांट क्या कर रहा है एक्सक्रीशन कर रहा है ठीक है उसके बाद सर आप बोलोगे कि सर H2O जो होता है उसका भी क्या होता है ट्रांसपीरेशन होता है ओके और ट्रांसपीरेशन होके के भी H2O क्या क्या होता है मतलब बेसिकली उसका भी लॉस होता है फ्रॉम द प्लांट बॉडी तो ये भी कही न, कहीं ना कहीं एक्स मतलब एक्सक्रीशन हो रहा है है ना कई बार क्या होता है कि जो लीव्स होते हैं लीव्स होते हैं ना उसके सेल क्या हो जाते हैं पूरी तरीके से डेड हो जाते हैं ठीक है मर जाते हैं खत्म हो जाते हैं ना? तो डेड सेल हो जाने के बाद से कई okay, मतलब बार आपने देखा होगा कि कई पेड़ के अंदर ना कुछ पत्ते बहुत सूख जाते हैं और सूख के हवा से बिखर के नीचे गिर जाते हैं तो दैट इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट ओके उसके बाद अगर आप देखो डायग्राम में मैंने दिखाया है है ना कुछ इंपॉर्टेंट देखो ये ट्रांसपिशन हो गया है ना दिस इज रिगार्डिंग टू दी ट्रांसपुरेशन प्रोसेस यहां पे आप लोगों को दिख रहा है लेटेक्स है ना तो विल कि कुछ इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं किसके अंदर प्लांट बॉडी के अंदर और वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्लांट के लिए हार्मफुल है टॉक्सिक है लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल है जैसे मैं अगर बात करूं तो इसमें आपको आ जाएगा गम्स

आउट करते हैं बाहर निकालते हैं प्लांट्स ओके okay? उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्लांट बॉडी में कुछ uh, you can call direct, है ना, कुछ वेस्ट uh, जो होते हैं वो क्या करते हैं प्लांट डायरेक्टली सॉइल के अंदर रिलीज करते हैं ठीक है कुछ कुछ अमाउंट में ना कुछ सॉलिड वेस्ट होते हैं कुछ गंदगी बरी होती है तो वो सब प्लांट क्या करेंगे डायरेक्टली सॉल्ट के अंदर उसको डाल देंगे निकाल देंगे ठीक है तो बेसिकली प्लांट के अंदर एक्सक्रेशन बहुत टफ है हार्ड एंड टफ नहीं है इतना सिंपल है जो ऑलरेडी पढ़ चुके बाहर निकलना बाई ट्रांसफरशन लीव का फॉल डाउन हो जाना बिकॉज ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का आउट करना गम्स हो गया रेजिस्टक्स ग्लाइकोसाइड और भी बहुत सारे है ना जो प्लांट्स बॉडी के लिए हार्मफुल है राइट right? और प्लांट की एस जब सैनसेंट स्टेज आएगी ओल्ड स्टेज आएगी तब तो एस ये चीज करने ही वाला है है ना एज यू ऑल नो द नेम ऑफ एसिड एसिड इज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है ना जो यहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस डन सो दिस इज हॉल एंड अबाउट योर एक्सक्रीशन इन प्लांट डन मैंने इतना बता दिया है कि आपका एनसीआरटी कवर हो जाए और आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल भी कवर हो जाए तो ये था हमारा लास्ट प्रोसेस इन लाइफ प्रोसेस चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड बायोलॉजी आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा थैंक यू सो मच फॉर बींग लिसनिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर अभी इसके बाद दो टॉपिक्स रिमेनिंग है एक है आपका एक्टिविटी पूरे चैप्टर में जो एक्टिविटीज दी है एनसीआरटी में वो सेकंड थिंग इज एनसीआर में ना बॉक्स दिए हुए मोर टू नो करके बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है विल गो विद दैट दैट आल्सो ओके टिल बी बी हेल्दी हैप्पी थैंक यू सो मच